नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 5 दिन पहले नालंदा से पटना के लिए पदयात्रा की शुरुआत की थी। पदयात्रा पटना पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप यादव ने कहा कि बिहार के किसानों से संबंधित 5 मांग ज्ञापन के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं, जो बिहार के बजट और भारत के संविधान के रूप है। एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट में जिन लोगों की शान माना गया है, उन तमाम किसानों को आर्थिक आधार पर अतिक्रमण कर 10% आरक्षण दिया जाए। 7 साल से ऊपर के सभी किसान, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को 2000 प्रतिमा मासिक पेंशन दिया जाए। सभी किसान की जितनी भी बेटियां हैं उनकी शादी के समय 1 लाख कन्यादान राशि दिया जाए। हर खेत तक आसानी से पानी पहुंचाई जाए। राज्य के बाहर प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को जाते वक्त 2000 रुपए दिया जाए। किसानों को मिले सम्मान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, किसानों को मिले सम्मान। यात्रा आप लोगों ने निकाली है, कहां से आ रहे हैं और क्या मांग है आपकी? हम लोग नालंदा से आ रहे हैं और बिहार का एक किसान है। हमारी पार्टी है राष्ट्रीय सम्मान किसान पार्टी और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। किसानों के मान सम्मान के लिए हम लोग नालंदा से पद यात्रा निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनका गृह जिला नालंदा है और हम भी नालंदा के ही रहने वाले हैं, वहाँ से हम लोग पिछले 5 दिनों से पैदल यात्रा करके अपनी 5 मांग जो है उसको रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। और जिसका सूचना हम लोगों ने वहाँ से चलने से पहले और कल मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवा दिए थे और वहाँ से रिसीविंग भी हम लोग को मिल गया है। तो हम लोग चाहते हैं, एक संकल्प लिए थे नालंदा के और हरनौद वगैरह जितना भी किसान है, हम लोग एक संकल्प लिए थे कि नालंदा से पैदल चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये जो किसानों से अत्यंत जरूरी मांगे हैं इसको उनके हाथ में सौंपना है। तो नालंदा से पैदल चलने वाला संकल्प तो हम लोग पूरा कर लिए, क्योंकि ये हम लोग के ऊपर निर्भर था। अब देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। अगर वो हम लोग से मिल लेते हैं 5 मिनट के लिए भी समय निकाल के, तो हमारा संकल्प, हमारी टीम का, हमारी जो पूरे किसान का ये जो ग्रुप है, समूह है, तो सबका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि 5 मिनट के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी समय निकाल कर हम लोग के मांग पत्र को अपने हाथ में ले लें। तो आप लोग तो मिलने जा रहे थे लेकिन आपको यहाँ धरना स्थल पर ला के रोक दिया गया है, क्या मानते हैं पुलिस के जरिए सरकार आपको रोकना चाह रही है? ऐसा नहीं है, हम किसान हैं और बिहार में 80% किसान है। किसी में दम नहीं है कि बिहार के किसानों को कोई रोक ले। 80% किसान है और ये चुनाव का समय है। चुनाव के समय सारे नेता बिहार के कोने कोने में जाके वोट मांगेंगे और हम लोग बिहार के किसान कोने कोने से पटना के धरती पर मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। और यहाँ पर जहाँ वोट लेने ये लोग जाते हैं, वहाँ हम लोग इनसे मिलकर अपना जायज मांग रखने आए हैं। हमारी मांग है आरक्षण। किसान बिहार के जो हैं आर्थिक रूप पे अति पिछड़े हुए हैं, तो अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से अति पिछड़ा होने के वजह से संविधान में हक बनता है कि हमको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। स्वामीनाथन के रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन लोगों को किसान माना गया है उन सभी किसान भाइयों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जो 60 बरस से ऊपर के किसान हो गए हैं, अब वो खेत में काम करना कर नहीं पाते हैं, उनको प्रति माह 2000 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। किसान की बेटियों की शादी में 1 लाख रुपया उनको अनुदान मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा समस्या है पटवन, हर खेत में आसानी से पानी पहुंचा दिए जाए ताकि हम किसानों का कोई भी फसल अगर लगाए तो पैदा बढ़िया उपज जाए। और एक और मांग है कि जो छात्र हैं बिहार के बाहर नौकरी वास्ते अगर प्रतियोगिता परीक्षा देने जाते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता है, इनको राज्य से बाहर जाते समय 2000 रुपया इनको दिया जाए। यही हमारी मांग है। और हमारी जो मांग है, जैसे आरक्षण की हमने मांग किया है,
तो आरक्षण के मांग जो किया है संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए ये मांग हमने किया है। और ये जो चार मांगे हमने मांगी है, किसानों की बेटियों की शादी में किसान बुजुर्ग जो है उनको 2000, ये जो चार मांगे मांगी है ये बिहार का बजट को ध्यान में रखकर मांगी है। बिहार का बजट 2,00,000 करोड़ रुपया का है, इससे भी ऊपर का है। उसमें से मात्र 18% पैसा अगर इस पर खर्च कर दिया जाता है तो ये चारों मांगे आसानी से पूरी हो जा सकती है। हमने कोई असंभव और गैर जरूरी मांगे नहीं रखी है, हमने जरूरी और संभव होने वाली मांग बिहार सरकार से की है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का संकल्प पूरा हो जाए, यानी मुख्यमंत्री महोदय 2 मिनट के लिए भी आकर के ये जो किसानों से संबंधित अत्यंत जरूरी मांग है इसको अपने हाथ में लें। संकल्प पूरा करना चाहते हैं या मांग पूरी करवाना चाहते हैं? मांग पूरी करवाना चाहते हैं, मांग। और ये कोई भीख नहीं है मीडिया बंधु, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, देश के कोने कोने में किसानों द्वारा आरक्षण की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन वो जाति आधारित मांग उठती है इसलिए वो सफल नहीं हो पाती है। अब बिहार की धरती से, इसी बिहार की धरती से पूरे देश के किसानों के आरक्षण की मांग उठेगी।